नरक कौन सा है? बोले ये देह ही घोर नरक है। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। फिर जीना, फिर मरना, फिर जन्म लेना, फिर गर्भ में रहना, यही घोर नरक है। इससे मुक्ति ही, इससे मुक्ति ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। जब तक इससे मुक्ति नहीं होगी, इसकी तृष्णा नहीं छूटेगी, तब तक इससे मुक्ति कभी नहीं हो सकती परीक्षित जी। ऐसा श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा। इसलिए परीक्षित जी, इस आसक्ति से दूर हट करके और इस निष्प्रयोजन दुख सुख के आडंबर से दूर हट करके अपना कल्याण करना चाहिए। ज्ञान की तलवार से इस आसक्ति को काट देना चाहिए। भक्ति की आसक्ति, भक्ति से, भक्ति की धारा से इस आसक्ति को काट देना चाहिए। व्यक्ति स्वयं के दुखों से, कल्पित दुखों से बहुत दुखी है महाराज। हम करते क्या है कि हम ये करेंगे, फिर हम ये करेंगे, फिर ये ऐसा होगा, फिर ये ऐसा हो जाएगा, फिर ये कल्पित कल्पित। और फिर दुख क्यों होता है कि जो हम कल्पना करते हैं और कल्पना में जो हम फल निर्धारित कर लेते हैं कि ये फल मिलेगा, ये करेंगे तो ऐसा होगा, ये करेंगे ऐसा होगा, ये करके फिर ये हो जाएगा, लेकिन होता वैसा नहीं है तो हम दुखी हो जाते हैं। तो दुख सुख कहीं नहीं है, दुख सुख हमारी कल्पना में है। एक भक्त ने पूछा, महाराज दुख सुख क्या है संत से? तो संत ने कहा, दुख सुख है ही नहीं, दुख सुख तो जीव उत्पन्न करता है अपनी कल्पना से। कैसे? बोले यदि हम चाहें वही होता रहे हम सुखी, और जो हम चाहें वो न हो हम दुखी। बस और कहीं न दुख है न कहीं सुख है। हम चाहते हैं हमारा लड़का डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, बन गया हम सुखी। हम चाहे हमारी बंगला बन जाए बहुत अच्छा, बन गया हम सुखी। हम चाहे हमें गाड़ी मिल जाए, मिल गई हम सुखी। हम जो चाहें वो होता रहे हम सुखी, और हम जो चाहें वो न हो हम दुखी। बस और न कहीं दुख है और न कहीं सुख है। हम कल्पित दुख सुख में दुखी होते हैं। एक व्यक्ति था महाराज, एक सेठ के यहां नौकरी कर रहा था, तो घी का काम था उस सेठ का। तो उसने एक मटका दिया घी से भरा हुआ, बोले चलो बा मार्केट ले चलो। उसने घी का मटका सर पे रखा, चल दिया और मन में विचार करने लगा। अभी जवान था, लड़का ही था, बोले चलो अच्छी नौकरी मिल गई हमें सेठ जी के यहाँ, पैसे भी ठीक मिल रहे, अब खूब पैसे कमाएंगे। और खूब पैसे कमाएंगे ना, जब खूब पैसे हो जाएंगे तो विवाह हो जाएगा, विवाह हो जाएगा तो बच्चे होंगे, बच्चे होंगे तो फिर उनको खूब पढ़ाएंगे, अच्छा 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 पढ़ा करके उनकी सर्विस लग जाएगी, उनका भी विवाह हो जाएगा, और जब उनका विवाह हो जाएगा तो उनके भी बच्चे होंगे, फिर वो बच्चे बड़े होंगे, तब तक हम वृद्ध हो जाएंगे, हम बेड पे लेटे होंगे, नाती पोते आएंगे, कहें बाबा जी बाबा जी अरे चाय पी लो, भोजन कर लो। दो तीन बार तो हम चुप रहेंगे, और ज्यादा हमसे कहेंगे तो हम कहेंगे नहीं अभी नहीं करना मुझे, जाओ। तो मटका पकड़े था, झटका दिया सो मटका जमी, जितना घी था वो सब फैल गया, मटका फूट गया। सेठ ने कहा, दुष्ट कही थी, ये तूने क्या किया, ये मेरा सारा घी तूने बर्बाद कर दिया मटका फोड़ के। उसने कहा, सेठ जी चुप रहो, तुम्हारा तो घी फैला है, तुम्हारा तो घी के नुकसान हुआ, हमारा पूछो सारा परिवार नष्ट हो गया, हमारा तो सब कुछ चला गया। कल्पित दुख सुख में हम दुखी और सुखी होते रहते हैं प्यारे, कल्पित दुख में। इसलिए सब कुछ परमात्मा के ऊपर छोड़कर, जो वो करेगा वही होगा, जो हम सोचेंगे वो कभी नहीं हो सकता, कोई गारंटी नहीं इसकी। इसलिए न तो कभी सुख करना चाहिए न कभी दुख करना चाहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए। कभी स्वयं की कल्पित दुख से दुखी न हो। अब श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, सृष्टि काल आने पर परमात्मा सृष्टि उत्पन्न करता है, तो भगवान ने अपनी नाभि से कमल उत्पन्न किया और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो तप की आवाज आई, ब्रह्मा जी ने तप किया, तप किया
उसके बाद ब्रह्मा जी ने सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चार पुत्रों को उत्पन्न किया। ये जन्म लेते ही विरक्त होकर के चले गए। ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो क्रोध से एक पुत्र उत्पन्न किया, वो रोता हुआ उसने जन्म लिया। उससे कहा कि रोता हुआ पैदा हुआ है नीले वर्ण का, तो ये तो बड़ी विचित्र सृष्टि पैदा करेगा। उससे कहा जाओ तुम तपस्या करो, तुम यहां मत रहो। तो उन्हें तो तपस्या करने भेज दिया, उनका नाम रुद्र पड़ गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए, मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलहकृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। इनसे भी जब सृष्टि नहीं हुई, सरस्वती को उत्पन्न किया ब्रह्मा जी ने। उनका रूप देखकर ब्रह्मा जी स्वयं मुग्ध हो गए। तो मरीच ने आकर के समझाया, पिताजी ये क्या कर रहे हो? एकदम बोध हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपना शरीर त्याग दिया, वही कोहरा बन गया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को संकल्पित करके दो भाग कर दिए, एक भाग से मनु और दूसरे भाग से शत्रुपा उत्पन्न हुई। मनु महाराज के 5 संतानें हुई, 3 पुत्रियां और 2 पुत्र, प्रियव्रत और उत्तानपाद, देवभूति, आकृति और प्रसूति, 3 पुत्रियां उत्पन्न हुई। तो मनु महाराज ने आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया और देवहूति का विवाह कर्दम महाराज के साथ किया और प्रसूति का विवाह मनु महाराज ने दक्ष प्रजापति के साथ किया। उसके बाद श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने स्वरूप का दर्शन कराया और चतुष श्लोकी भागवत का वर्णन किया, उपदेश दिया। अहमेवाशमेवाग्रे नान्यद यद शत शत परम पश्चादहं यदि तक्ष यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् रितेऽर्थं यत प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भाषो तथा तमः। यथा महान्ति भूतानि भूतेषु कावचेषु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषुहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यतस्यात् सर्वत्र सर्वदा। इस तरह चतुष श्लोकी भागवत का उपदेश दिया भगवान ने। तत्पश्चात श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, अब हम तुम्हें वो कथा सुनाएंगे जिसमें हमारा कन्हैया बिना बुलाए विदुर के यहां जाकर के उसके छिलकों को खाता है। महाराज, पांडवों ने कन्हैया को दूत बना करके दुर्योधन के यहां भेजा और कहा, यदि दुर्योधन हमें 5 गांव भी दे देगा तो हम युद्ध नहीं करेंगे। कोई युद्ध नहीं करेंगे अगर दुर्योधन 5 गांव भी हमें दे देता है। इधर विदुर जी ने भी समझाया, लेकिन नहीं जब माने धृतराष्ट्र, तो विदुर जी ने हस्तिनापुर छोड़ दिया, यमुना के किनारे अपनी झोपड़ी डालकर रहने लगे। बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सोचते हैं कन्हैया मेरी झोपड़ी में क्यों आएगा, क्या मतलब उसका आने का। इधर पांडवों ने कन्हैया को भेजा, रथ तैयार हुआ, सुंदर रथ पर कन्हैया विराजमान हुआ। कन्हैया के स्वागत की तैयारी हस्तिनापुर में बड़े धूमधाम से हुई, सारे नगर को सजा दिया गया, बंधन मार बांध दी गई, सुंदर कलश रखवा दिए गए, सारी सड़कों पर पुष्प बिछा दिए गए, पुष्प मालाएं लेकर के लोग सड़कों के किनारे कन्हैया के स्वागत के लिए खड़े। कन्हैया रथ से चला। इधर विदुर जी ने सोचा कि कन्हैया मेरी झोपड़ी में तो नहीं आएगा, और वो आएगा भी क्यों, वो तो तीनों लोकों का राजा है, तीनों लोकों का ठाकुर है,
अरे उसका तो स्वागत हस्तिनापुर में चक्रवर्ती सम्राट करता है, वो मेरी झोपड़ी में क्यों आएगा, मुझ दीनहीन दुखिया के यहां क्यों आएगा। कोई बात नहीं कन्हैया, मैं जैसा भी हूं तेरा हूं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी तूने दिया है, जैसे भी तू रख रहा है, मैं वैसे रह रहा हूं, इसमें मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन कोई बात नहीं, तू नहीं आएगा प्यारे, लेकिन मैं तेरे दर्शन को अवश्य आऊंगा, जरूर आऊंगा। विदुरानी से बोले विदुर, विदुरानी आज कन्हैया हस्तिनापुर में आ रहा है, कई वर्षों से मेरी इच्छा है कन्हैया के दर्शन करने की। कन्हैया तो नहीं यहाँ आएगा विदुरानी, लेकिन मुझे जाना चाहिए, मुझे बहुत दर्शन की इच्छा है, मैं जाना चाहता हूँ। विदुरानी ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अरे इतना बड़ा राजमहल, राजप्रसाद, चक्रवर्ती सम्राट दुर्योधन उनकी सेवा में लगा हुआ होगा, हजारों हजार लाखों लोग उसे देखने के लिए उमड़ रहे होंगे, उस राजप्रसाद में तुम कैसे उसका दर्शन कर पाओगे विदुर, क्या सोच रहे हो। बोले कोई बात नहीं विदुरानी, मैं जाऊंगा अवश्य। विदुर चल दिए, पहुंचे हस्तिनापुर में, इधर कन्हैया का रथ हस्तिनापुर में प्रवेश किया, और जैसे हस्तिनापुर में कन्हैया का रथ प्रवेश करता है, लाखों नर नारी स्त्री पुरुष सब कन्हैया के दर्शन के लिए बाल वृद्ध सब दौड़ पड़ते हैं, सड़कों पर इतनी भीड़ हो जाती है कि रथ दिखाई नहीं पड़ता है। विदुर उस भीड़ में कहां खो गए कोई पता नहीं लगा। अब उस भीड़ में, लाखों की भीड़ में विदुर को जिधर से धक्का लगता है उधर ही चले जाते हैं, लेकिन कन्हैया का कोई दर्शन नहीं। जब कैसे भी कन्हैया का दर्शन विदुर जी को नहीं हुआ, बड़े परेशान हो गए, तो एक भीड़ का ऐसा धक्का लगा कि विदुर जी सड़क से एक चबूतरे पर चढ़ गए। चबूतरे पर चढ़ गए, सोचा यहां से तो अवश्य कन्हैया का दर्शन हो जाएगा, लेकिन भीड़ ऊपर से महलों की अट्टालिकाओं से इतनी भीड़ चारों तरफ कि कन्हैया कहीं दिखाई नहीं दिया। तो विदुर पैरों के बल खड़े होकर, पंजों के बल खड़े होकर के उचक उचक करके कन्हैया का दर्शन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक भी झलक कन्हैया की नहीं मिली। विदुर हताश हो गए, निराश हो गए। प्यारे क्या तू लगता है पूंजीपतियों का है? अरे तेरे लिए तो दीन बंधु लिखा है, तू तो दीन बंधु कहा जाता है। कैसा दीन बंधु है कन्हैया? अरे नहीं, किसी ने तेरा झूठा नाम रख दिया है, दीन बंधु नहीं है, दीन बंधु नहीं, तू तो लगता है पूंजीपतियों का है। ऐसा कहते कहते विदुर जी की आंखों में आंसू आए, और जैसे विदुर जी की आंखों में आंसू आए, कन्हैया ने समझ लिया कि विदुर जी को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रेम की दसवीं अवस्था मृत्यु है, नौवीं अवस्था मोक्ष और दसवीं अवस्था मृत्यु है। तो कन्हैया ने सोचा कहीं मेरे प्रेम में, मेरे विरह में, मुझे न देख पाने के कि व्यथा में, कि कष्ट में कहीं विदुर अपना प्राण न त्याग दे। कहीं कन्हैया मुस्कराया, और कन्हैया की मुस्कराने में ही सारी लीला है। और जैसे ही कन्हैया मुस्कराया, दिव्य लीला हुई। विदुर जी को कन्हैया की जहां एक झलक भी नहीं मिल पा रही थी, विदुर जी के सामने कन्हैया बंसी बजाता हुआ, सुंदर मुखमंडल, कुंगराले बाल, पीताम्बर लपेटे, सुंदर वैजंती माला पहने कन्हैया विदुर के सामने प्रकट हो गया। मुस्कराते हुए कन्हैया के जब दर्शन कर रहे, विदुर जी ने पागल हो गए, पागल होके नाचने लगे, भाग खड़े हुए और कहा, अरे विदुरानी तुम कहती थी कन्हैया नहीं मिलेगा, देखने को नहीं मिलाएगा, मैं आज बताऊंगा विदुरानी, कन्हैया बहुत दयालु है, बहुत दीनों का हित करने वाला है, बहुत दयालु है, बहुत उदार है। क्या कहती थी विदुरानी तुम? अरे मुझे तो उसने दर्शन दे दिए। ऐसा सोचते हुए विदुर चल दिए, लेकिन इधर कन्हैया ने प्रस्ताव भेजा दुर्योधन के लिए, दुर्योधन यदि 5 गांव भी तुम पांडवों को दे दोगे तब भी वो युद्ध नहीं करेंगे। दुर्योधन ने कहा, कृष्ण अरे आप 5 गांव की बात करते हो, मैं युद्ध के बिना, 5 गांव तो बहुत दूर, कन्हैया मैं सुई की नोक भर जमीन भी बगैर युद्ध के पांडवों को नहीं दूंगा। कन्हैया ने कहा, अरे इतना तू अनीत करने वाला, इतना तू दुष्ट प्रकृति वाला,
अरे ऐसे अन्यायी राजा का मैं आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता दुर्योधन। और 56 प्रकार के व्यंजन और राजसी आतिथ्य को ठुकरा करके कन्हैया रथ से उतर पड़ा और विदुर के घर की तरफ चल दिया। विदुरानी सोच रही थी, अरे मैंने मना किया था विदुर जी को, मैंने मना किया था विदुर जी को कि देखो मत जाओ, इतने बड़े राजमहल में, इतने बड़े राज प्रसाद में जहां लाखों की भीड़ और जहां चक्रवर्ती सम्राट जिसका आतिथ्य सत्कार कर रहा हूं, ऐसे में तुम्हें दर्शन कैसे हो सकते हैं, कैसे तुम्हें मिल सकता है कन्हैया। लेकिन नहीं माने विदुर, कहीं ऐसा न हो तुम भीड़ में दब गए हो, तुम्हें चोट आ गई, तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, मना किया था मैंने, अभी तक तुम नहीं लौटे। यही सोच रही थी तब तक जाकर के कन्हैया ने विदुरानी के दरवाजे को खटखटाया और जैसे दरवाजा खटखटाना सुना, विदुरानी भागती हुई आई, सोचा देखो आ गए, मैंने कहा था दर्शन नहीं होंगे, लौट आए देखो बगैर दर्शन किए आ गए, और कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कुछ चोट चाट तो नहीं लग गई भीड़ में, कहीं कुछ हुआ तो नहीं, सुरक्षित तो आ गए, दर्शन तो नहीं हुए होंगे इतनी भीड़ में, मैं मना करती थी, चलो आ गए। ऐसा सोचते हुए विदुरानी ने जैसी दरवाजा खोला, देखा सामने पीतांबर लपेटे घुंघराले बाल सुंदर मुखमंडल, धुरों पर मुरली लगाए कन्हैया खड़ा दरवाजे पर। विदुरानी मूक हो गई, खड़ी हो गई। कन्हैया ने कहा, विदुरानी क्या बगैर बुलाए घर में आए तो क्या अंदर आने के लिए भी नहीं कहा जाता है? जैसी कन्हैया ने कहा, विदुरानी जो मूक हो गई थी, सब भूल गई थी, प्रेम में पागल हो चुकी थी, प्रेम में ज्ञान नहीं रहता, और जैसी कन्हैया ने कहा, विदुरानी ने हाथ पकड़ा, जल्दी से अंदर ले गई, चार पाई लाई तो चार पाई प्रेम में भूल गई, सीधी चार पाई बिछाने की जगह उल्टी चार पाई बिछा दी, उसी पे कन्हैया को बिठा दिया, भागी, क्या खिला दे क्या खिला दे, घर में तो कुछ था नहीं, केले पड़े हुए थे, भागी टोकरी में केले लेकर के आई और इतनी प्रेम में पागल हुई, केले छीले गूदा जमीन पर डाले और छिलके कन्हैया को खिलाए जाए। इतने में विदुर जी आ गए, विदुर जी ने आकर के देखा, गेट खुला और अंदर जैसे ही घुसे देखा कन्हैया बैठा उल्टी चारपाई डाले और विदुरानी कर क्या रही है, गूदे को जमीन पे डाल रही है, छिलके कन्हैया को खिला रही है। अरे विदुरानी तू ये क्या किया, तूने तो सब कुछ नष्ट कर दिया, अरे इस कन्हैया को तू क्या कर रही है, क्या खिला रही है। छीन लिया हाथ से केला, उठाया और छीला और छील करके जैसी कन्हैया के मुंह में दिया, कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया विदुर, जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में आया, जो स्वाद विदुरानी के छिलकों में आया विदुर, वो तुम्हारे गूदे में अब नहीं आ सकता, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। हमारे ठाकुर को तो केवल आपका प्रेम चाहिए, आपका तन नहीं चाहिए, आपका धन नहीं चाहिए, उसे तो केवल आपका मन चाहिए प्यारे, ये उसका ही दिया हुआ है, इसमें तो कुछ लगना नहीं है। इसलिए यदि मन आपका साफ हो गया, यदि मन शुद्ध हो गया, मन से यदि कन्हैया को अपना लिया प्यारे, तो फिर सब कुछ जीवन बदलने में देर नहीं लगती है। इसलिए यदि कन्हैया को अपने हृदय में बिठाना है, उसकी कृपा पानी है, तो फिर मन को शुद्ध करना पड़ेगा, मन को, क्योंकि जब तक मन रूपी आंगन आप साफ नहीं करेंगे तब तक उसकी कृपा नहीं हो पाएगी। तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, 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 तुम
तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान, चंचल मन को नहीं संभाला कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। हर कोने कलमस कसाय लगी हुई है देरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है देरी, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी, की किरण कहीं भी हर कोठरी अंधेरी, आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान, आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुम्हारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, पाया नहीं सहारा किसी पंथ भूले ने तुमसे पाया नहीं सहारा, है करुणा की धारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर आते, श्याम पाह पकड़ कर शाग के दूर घर श्याम की बाह पकड़ कर साग बिदुर घर खाते, पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, इस पर तुमने नहीं विचारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आएंगे भगवान भगवान, कैसे आएंगे भगवान, आंगन
तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान, तुमने आंगन नहीं तुम्हारा कैसे आएंगे भगवान। जय जय श्री राधेश। जब तक हृदय शुद्ध नहीं होगा, जब तक कूड़ा करकट, जब तक गंदगी इस हृदय में भरी रहेगी, तब तक ठाकुर की कृपा, उसकी करुणा हम पर नहीं हो सकती। उसकी कृपा पाने के लिए, उसकी दया पाने के लिए, उसकी कृपा पाने के लिए हमें अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, परीक्षित जी महाराज, जब ब्रह्मा जी ने सोचा कि सत्रुपा और मनु के द्वारा जो सृष्टि उत्पन्न होगी वो रहेगी कहां, तो उन्होंने नासिका से बारह भगवान को प्रकट किया, उन्होंने हिरणाक्ष को मारकर और पृथ्वी मनु सत्रुपा को प्रदान कर दिया। तो पूछा कि हिरणाक्ष कौन था और उनकी भगवान बारह से भेंट कहां हुई, तो कहा कि दिति जो थी दक्ष की पुत्री, उसने जो कश्यप की पत्नी थी दिति, दो पत्नियां थी दिति और अदिति, तो जो दिति थी उसने कश्यप से संध्या काल में प्रसंग की इच्छा जाहिर की। कश्यप जी ने बहुत समझाया, संध्या काल में दीपक जलाना चाहिए, संध्या काल में भगवान का स्मरण करना चाहिए, संध्या काल में लक्ष्मी नारायण भगवान घर में आते हैं, इसलिए संध्या काल को दीपक जला के घर पे रखना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। संध्या काल भजन का है, प्रसंग का नहीं है देवी। हमारे शास्त्रों में जो भी लिखा है, कोई भी बात बिना साइंटिफिक नहीं है, सारी की सारी वैज्ञानिकता से परिपूर्ण है। जिन पर अब खोज हो रही है उसे हजारों साल पहले हमारे शास्त्र दे चुके हैं, हजारों साल पहले, कोई ऐसी बात नहीं है। एक लेटेस्ट पद्धति आई है क्लोन। क्लोन पद्धति में क्या होता है, किसी का मांस लेकर के बिल्कुल उसी तरह उसको बना दिया जाता है। ये तो अब है हमारे यहां शास्त्र में, सुग्रीव और बाली दोनों क्लोन पद्धति से ही उत्पन्न किए गए थे, इसलिए बाली और सुग्रीव दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। एक रूप तुम भ्राता दो, सुग्रीव कंठ से उत्पन्न था और बाली बाल से, ये दोनों क्लोन पद्धति से। कोई विज्ञान ऐसा नहीं जो तब नहीं था, बल्कि इतना उन्नत था, इतना उन्नत था कि आज तो उसके कहीं आसपास भी नहीं विज्ञान फटक पाया है। भगवान राम जो बाण चलाते थे वो अपना काम करके और पुनः निसंग में आ जाते थे। क्षण प्रभु के सायकन काटे विकट पिशाच, पुनि प्रभु आई निसंग मऊ प्रभु से सब नाराज, प्रभु से सब नाराज। भगवान जो चलाते थे अस्त्र अपना काम करके पुनः उनके अस्त्र आ जाते थे निसंग में, दोबारा चलाने
अभी तक कोई ऐसी रिसर्च नहीं हुई कि दोबारा उसको चलाने के बाद दोबारा उसको चलाया जा सके। हमारे यहां सर्जरी सबसे बड़ी आज तक दुनिया उसके आसपास तक नहीं फटक रही है। हमारे यहां गणेश जी के सर को काय का सर लगाया गया, गणेश जी को आज तक कोई जो है विश्व में ऐसी सर्जरी हुई है, वर्ल्ड में कोई ऐसी सर्जरी कर पाया डॉक्टर जिसको दूसरे का सर लगा करके जिंदा रखा हो? सबसे बड़ी दुनिया की सर्जरी, एक नहीं कोई बात ऐसी। पीपल पर हम लोग जल चढ़ाते, क्यों चढ़ाते भाई? 2400 घंटे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है। तुलसी मैया को हम जल चढ़ाते हैं, क्यों चढ़ाते हैं? साइंटिफिक कॉज है उसके अंदर, साइंटिफिक गुण है, मलेरिया से लड़ने की इतनी अद्भुत क्षमता है। मलेरिया की कीटाणुओं को जिस घर में तुलसी का पौधा होगा, स्वस्थ तुलसी का पौधा जिसमें प्रतिदिन जल चढ़ता हो, उस घर में मलेरिया के कीटाणु नहीं हो सकते, ध्यान रखना। उस घर में किसी को मलेरिया नहीं हो सकता। कहां तक बताएं आपको, कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो साइंटिफिक नहीं है। सूर्य पर हम जल क्यों चढ़ाते हैं? सूर्य पर जो हम जल चढ़ाते हैं उसकी अल्ट्रावेट जो किरणें हैं, वो जल से होकर के जब हमारे शरीर में पड़ती हैं, तो हमारे शरीर पर जितने बैक्टीरियाज हैं, जितने अंदर जो वो है, वो सब खत्म कर देता है। हर कुछ साइंटिफिक, हजारों साल लाखों साल पहले जो हमारे ऋषियों ने विश्व को दिया। अच्छा, जितने विमान बने हैं, कितने अच्छे अच्छे विमान बना लिए, सब कुछ बना लिए, सब कुछ बना लिया, बड़े बड़े अच्छे विमान बने, बड़े सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले बने, सुपरसोनिक स्पीड से चलने वाले विमान बने हैं, लेकिन मन की गति से चलने वाला कोई विमान आज तक बना है? बोलो, मन की गति से। पुष्पक मन की गति से, अगर मन कितनी जल्दी, अच्छा आप बैठे यहां और मन को एक सेकंड लगेगा गाजियाबाद पहुंचने में, एक सेकंड, एकदम वही फ्लैट याद आ जाएगा, वही खड़े हैं रसोई। तो जो पुष्पक विमान था हमारा, पुष्पक विमान मन की गति से चलता था, और जितने लोग बैठो, कितने भी लोग बैठो, एक सीट सदैव खाली। कोई विमान बना दुनिया में बताओ, कोई विमान ऐसा बना? भरता जरूर होगा महाराज, लेकिन वो पुष्पक विमान कभी भरता ही नहीं था, चाहे पूरे संसार के व्यक्ति बैठा दो, एक सीट फिर भी खाली रहेगी। ऐसी ऐसी अद्भुत चीजें विकसित करती थी, वो चीज थी, कभी नहीं, अभी तो उसके आसपास नहीं पड़ गई। हमने दिया संसार को, दिया तो हमने संसार को, और मोहर लोग अपनी लगाए बैठे, पैकिंग अपनी किए बैठे हैं, हम पैकिंग में पीछे छूट गए, बस और कोई बात नहीं। इसलिए कश्यप ने कहा, दीति ये समय प्रशंका नहीं है, तो भगवान का स्मरण का है, लेकिन दीति नहीं मानी। जब नहीं मानी तो उसकी इच्छा पूर्ण की कश्यप ने, और कहा दीति तुम नहीं मानी, तुमने अश्वमेधिक ये कार्य किया है, तो तुम्हारे एक की जगह दो पुत्र होंगे, लेकिन दोनों राक्षस होंगे। अब तो दीति बड़ा परेशान, बोले महाराज आपने तो बड़ी ऐसी बात कही, बहुत प्रार्थना की। तो कश्यप ने कहा कोई बात नहीं, पुत्र तो अब वैसे ही होंगे, क्योंकि संतों की बाड़ी कभी खाली नहीं जाती, तो पुत्र तो जो हमने कह दिया वैसे ही राक्षस ही होंगे, महाराक्षस होंगे, लेकिन जो तुम्हारा पौत्र होगा वो भगवान का परम भक्त होगा, परम भक्त होगा, जाओ ये हम तुम्हें वरदान देते हैं। तो वो हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष 100 वर्ष तक गर्भ में रहे दीति के, और 100 वर्ष बाद बाहर आए। हिरण्याक्ष सबको जीतता हुआ पाताल में वरुण जी के पास पहुंचा, बोले हम तुमसे लड़ेंगे। वरुण जी ने कहा भैया हम तुमसे नहीं लड़ना चाहते, तब भी लड़ोगे? बोले हाँ तब भी लड़ेंगे। अच्छा दुष्ट किसे कहते बोलो?
दुष्ट उसे कहते हैं जो अकारण सबसे लड़े, कोई कारण नहीं फिर भी झगड़ा। देखो हम भी करते ना, शास्त्र कहता है कि घर में जब खाली रहो तो क्या करो, स्वाध्याय करो, सद अध्याय करो, सद साहित्य पढ़ो। लेकिन हम क्या करते हैं, बोलो क्या करते हैं, अकारण पत्नी से लगे रहते हैं, अनावश्यक उससे चर्चा करते रहते हैं, उसको चिढ़ाते रहते हैं, खाम खाम में छोटी छोटी बातों में विवाद कर लेते हैं और बात बड़ी बन जाती है। ऐसे एक पति था, ऐसे पति था एक महाराज, तो क्या करे कि पत्नी बैठी थी कुर्सी, बार बार आए और मार के चला जाए, फिर ऐसे मार दे फिर चला जाए। पत्नी ने कहा भाई मारते क्यों, अरे बोले जो प्यार करता है वही तो मारता है। उसने कहा अच्छा, बोले हाँ। दोबारा फिर आया, फिर मारा, फिर चला गया। बोले फिर आपने फिर मार दिया। बोले मैंने कहा नहीं, जो प्यार करता है वही तो मारता है। अच्छा, बोले ठीक। फिर निकला, फिर मार के चला गया। बोले देखो बार बार फिर क्यों मारते हो, अरे बोले मैंने एक ही बात बोल दी कि जो प्यार करता है वही तो मारता है। बोले अच्छा ये बात है। अब की बार आया, पत्नी पहले से तैयार थी, और जैसे ही पास आया पत्नी एक घुमा के झापड़ गाल पे दिया। बोले तुम जानते हम प्यार ही नहीं करते, हम प्यार ही नहीं करती बिल्कुल। कहने का मतलब हम निरर्थक निरर्थक वार्तालाप, निरर्थक क्रियाएं करते रहते हैं। लेकिन जब हम खाली हो तो हमें क्या करना चाहिए, सद साहित्य पढ़ना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, संस्कारिक पुस्तकों को और पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं करते व्यर्थ के। तो अकारण वो पहुंच गया वरुण जी के पास, बोला हम लड़ेंगे। वरुण जी ने कहा महाराज हम तो लड़ना नहीं चाहते। बोले तुम नहीं लड़ना चाहते लेकिन हम तो चाहते। अब बेचारा बड़ा परेशान। वरुण जी ने कहा महाराज हम नहीं लड़ना चाहते। बोले हम तो लड़ना चाहते, तुम नहीं चाहते, उससे क्या लड़ना। उसने कहा हम आपसे नहीं लड़ पाएंगे, हम तो कमजोर भाई, हम आपसे नहीं लड़ सकते। बोले अगर आप नहीं लड़ सकते तो फिर हमें लड़ने वाला बताओ, जिससे हमें तो लड़ना ही है। तुम नहीं लड़ सकते तो हमें लड़ने वाला बताओ। तो वरुण जी ने कहा अच्छा लड़ने वाला बता देते। तो 12 भगवान की रूपरेखा बता दी कि ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे होंगे, चले जाओ उन्हीं से तुम लड़ो जाकर। अहंकार में भरा हुआ 12 भगवान के पहुंच गया पास। अब लड़ाई शुरू कैसे हो, तो लड़ाई शुरू करने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना, बहाना।